अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे साथ आज मेरी बहुत ही यंग डॉक्टर, मेरी बहुत प्यारी सहेली, मेरी बहन मेरे साथ है। और मेरा ख्याल है कि ये औरत का वो किरदार है माशरे में जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हम बताते हैं कि औरत का किरदार कैसा होना चाहिए, तो वैसा एक एग्जाम्पली करेक्टर मेरे पास आज है। हमेशा से ख्वाजा सराओं के लिए बढ़ चढ़ के आगे रही हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है। हमेशा जहाँ मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, जहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो ये सबसे आगे खड़ी होती हैं। तो हम इनसे इनका तारुफ भी पूछते हैं और इनका काम भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। जहाँ आपने मेरी इतनी तारीफ़ करवा दी, मैं अगर एक खातून होने का अच्छा किरदार अदा कर रही हूँ तो जूली एक बहुत अच्छी इंसान होने का किरदार अदा कर रही है, जो बहुत सारे सब इंसानों के लिए काम करती हैं और हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छे टॉपिक्स पर बात भी करती हैं, जिसके लिए जो यूथ है उनको बहुत सारी रहनुमाई मिलती है। तो आप थोड़ा अपना प्लीज़ मुझे बताएंगे कि क्या अभी क्या काम कर रही हैं आप, और कितने ख्वाजा सराओं को आप फैसिलिटेट कर चुकी हैं, और आने वाले दिनों में कौन कौन से शहर में आप जाना चाहती हैं। ठीक है, अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन मैं एक डाइटिशियन हूँ, यानी माहिर ग़िज़ायात, और मेरा मोस्टली काम कर रही हूँ ख्वाजा सरा के लिए, जिसमें हम ख्वाजा सरा को राशन, उनके डाइट के बारे में और उनके सप्लीमेंट्स के बारे में कि उनको किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इसी पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि ये हमारा वो तबका है जिसको मुआशरे ने बहुत सारा इग्नोर किया हुआ है। मुआशरा मेरा ख्याल है उस तरफ आना नहीं चाहता, उस तरफ बात भी नहीं करना चाहता, तो हमने ये कदम उठाया कि हम उनके लिए ना सिर्फ उनके लिए बात करें बल्कि उनके लिए कुछ अच्छे इकदाम हैं वो भी उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत इंस्पायर्ड होगी। ये वो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, वो टिकटॉक पे पैदल चलना और टिकटॉक पे बेहुदा डांस करना, बिल्कुल भी आप सेलिब्रिटी नहीं बन जाते, आपके पास बिल्कुल भी वो जो चीज़ है वो नहीं आती। ये वो एग्जाम्पली करेक्टर्स हैं, ये वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मुआशरे में दिखाने की ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन और उनकी टीम मौजूद है, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इनकी जो टीम है वो वॉलंटियरली मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में ख्वाजा सराओं के लिए ना सिर्फ मेडिकल कैंप लगा रहे हैं बल्कि साथ साथ राशन का भी एहतमाम कर रहे हैं। और आज हमने 50 से 60 ख्वाजा सरा बुलाए थे जिनको हमने राशन भी दिया, उनका ब्लड टेस्ट किया, उनका शुगर टेस्ट किया। तो ये डिटेल जो है ये सर से पूछते हैं कि ये कैसे इनिशिएटिव हुआ और ये किस तरह से चल रहा है। तो सर कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम, आप सर थोड़ा काइंडली बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये इनिशिएट कैसे हुआ और अभी तक आप कितना कर चुके हैं और मज़ीद क्या। अच्छा, होता ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे जो इंसानियत है उसके अंदर कुकुली बाद और कुकुला आते हैं। हकुकुला तो हम अल्लाह ताला की इबादत और बाकी जितने भी फ़राइज़ हैं वो पूरा करके कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हकुकुला के अंदर हकुकुलबाद के अंदर इंसानों के हकूक आते हैं। और जब इंसानों के हकूक आते हैं तो उसके अंदर इंसान की जब बात करते हैं उसके अंदर मर्द और औरत आते हैं, लेकिन ख्वाजा सरा नहीं आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो ख्वाजा सराओं को एक्सेप्ट नहीं करती। तो बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल और बीइंग अ लिंक्ड फ्रॉम इस्लामिक रिलीजन, हमने ये सोचा कि क्यों ना मर्दों के लिए सब लोग करते हैं, औरतों के लिए सब लोग करते हैं, तो ख्वाजा सरा एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके लिए कोई लोग काम नहीं करता। एक तो मसला ये कि इनके एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो ये लोग वो प्रोफेशन की तरफ जाते हैं जो एक तो मॉरली ठीक नहीं होते और एक फाइनेंशली भी ठीक नहीं होते। तो हमारा जो इस इनिशिएटिव का मकसद ये था कि हम एक औरतों के साथ मर्दों के साथ ख्वाजा सराओं को भी पैरेलल लेके चलें हेल्थ के मामले से। और इस कैंप का मकसद ये है कि हम इनको एक तो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इनको पता हो कि हमारी हेल्थ कितनी ज़रूरी है। अब इस राशन के अंदर सारी वो चीज़ें ऐड हैं जो इनके आप कह लें कि सेहत के लिए बेहतर हैं। उसके अलावा हम इनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, हम इनका शुगर लेवल चेक कर रहे हैं ताकि जो इनकी हम इनको काउंसलिंग कर सकें कि आप अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है कि आप लोग कौन से अच्छे प्रोफेशन हैं जिसको अडॉप्ट करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाजा सराओं को बेसिकली एक मखलूक समझा जाता है जो सिर्फ डांसिंग तक ही मतलब रिलीजन है। लोगों को लगता है ख्वाजा सरा वही होता है जो डांस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ख्वाजा सरा भी एक अल्लाह ताला की मखलूक है या आप कह लें इंसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा इस सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो इंक्लूसिव एजेंडा है, जो इंक्लूसिव अप्रोच है, उसको लेके चल रहे हैं आप लोग, और आप पाकिस्तान का वो यूथ हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है, हमें बहुत नाज भी है और बहुत खुश हैं।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ के हमारे लिए काम करते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, आप लोग देखेंगे किस तरह से हमारी यूथ जो है वो इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करती है, किस तरह से वो सबके हकों का जो है वो ख्याल रखती है। तो बहुत शुक्रिया स्टेट यूनिटी दास, बाकी आपको हम दिखाएंगे कैंप में क्या चल रहा है। तो कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें सर? मेरा लास्ट मैसेज सारे देखने वालों के लिए ये है कि इन लोगों को एक्सेप्ट करें और अपने इर्द गिर्द जितने भी ख्वाजा सराए हैं उनका ख्याल करें, और इस मखलूक को सिर्फ डांसिंग तक आप लिमिटाइज ना करें। आप अगर इनको जितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं तो काइंडली इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें इन अ पॉजिटिव सेंस। ये नहीं कि आप इनको डांसिंग के लिए प्रोग्राम के लिए हायर कर लें, दिस डज नॉट मेक सेंस। तो आप कोशिश करें इनको रोज़गार फराहम करें, और ऐसा रोज़गार फराहम करें जो इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ज़्यादा करें।